एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। वैल्यू एजुकेशन सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, उसमें आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। ये रहे आपके टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन और वन मोर टॉपिक इज़ देयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वैल्यू एजुकेशन क्या है ये तो आप सभी को मैंने बता दिया और बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश भी की है। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की वैल्यू एजुकेशन होती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ एक चार्ट बनाया हुआ है। अगर आप ऐसा चार्ट एग्जाम में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि नोट्स बना सकें। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल वैल्यू एजुकेशन। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल मीन्स अपना। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरी पर्सनल चीज़ है, तो वैसे ही पर्सनल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल के अंदर खुद से कुछ पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, उसके अंदर कुछ अपने सिद्धांत होते हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हर किसी में नहीं होती। जिस इंसान के पास ऑनेस्टी वाली वैल्यू है उसे हम ऑनेस्ट पर्सन कहते हैं। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। इंटीग्रिटी यानी एकता बना के रखना। हर इंसान एकता बना के नहीं रख सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं और दूसरे के साथ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे लोगों की एक अलग वैल्यू होती है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदारियों का एहसास होना, जो आजकल के बच्चों में बिल्कुल कम होता जा रहा है। इवन बहुत से ऐसे बड़े लोग भी हैं जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभाते, उसका भी रीज़न यही है कि उनमें प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं हैं, संस्कार नहीं है। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि खुद से अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को कंट्रोल करना, सही नियम के साथ चलना। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही कम लोगों में होता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि सपोज करते हैं हम रोड पर जा रहे हैं और ट्रैफिक है, रेड लाइट हो रही है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इधर उधर नज़र घुमाते हैं कि कोई पुलिस वाला तो नहीं है, और अगर पुलिस वाला नहीं होता तो वो रेड लाइट जंप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो वो डिसिप्लिन कौन सा है? बाहर का डिसिप्लिन। यानी अगर पुलिस वाला खड़ा होगा तो हम चालान के डर से रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे। अगर पुलिस वाला नहीं है तो हम क्रॉस कर रहे हैं। इट मीन्स हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देखते ही नहीं पुलिस वाला है या नहीं, वो चुपचाप रेड लाइट देखते हैं और रुक जाते हैं। वो हेलमेट भी पहनते हैं चाहे उन्हें कोई रोके चाहे नहीं रोके, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। उन्हें पता है कि रेड लाइट जंप करना सही नहीं है, हेलमेट पहन के चलना अच्छा होता है। वो खुद से ही रूल्स का फॉलो कर रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एम्पथी, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एम्पथी का मतलब होता है दूसरे के दर्द का एहसास करना, जो आजकल लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। अपनी तकलीफ सबको नज़र आती है लेकिन दूसरे इंसान की तकलीफ किसी को भी नज़र नहीं आती। ये भी किसकी वजह से है? संस्कारों की कमी से और आदर्शों की कमी से, राइट? नेक्स्ट टॉपिक है ग्रैटिट्यूड, यानी किसी का आभार व्यक्त करना। आजकल लोग एहसान फरामोश बहुत हो गए हैं, अपना मतलब निकल जाता है लेकिन उसके बदले एहसान नहीं मानते। तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो आपको उसका आभार मानना चाहिए, सारी ज़िंदगी उस एहसान को मानना चाहिए, ना कि एहसान फरामोशी करनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पर्सनल वैल्यूज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की, यानी कि स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर होना, ठीक है, कि भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, या अच्छे जो ग्रंथ हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं जिनको हम आइडल्स कहते हैं, उन्होंने हमें क्या कुछ सिखाया है, उसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्रूथ, पीस, लव, सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, ये सभी आपको पता ही हैं। ट्रूथ यानी सच्चाई, शांति, प्यार, त्याग करना और अहिंसा करना। अब आप सोचेंगे स्पिरिचुअल के लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल भी बता देते टीचर तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध। ये कौन हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल को बहुत करीब से महसूस किया है? किसी भी तरह की भावनाओं का, सिचुएशंस का, कंडीशन का इनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। ये हमेशा प्यार, त्याग और अहिंसा की मूर्ति बने रहते थे, ठीक है। तो अगर हम इनके चरित्र को फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे वैल्यूज़ आएंगे।
नेक्स्ट है सोशल वैल्यूज, यानी कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के प्रति हमारे कैसे संस्कार होने चाहिए। सर्विस, सर्विस का मतलब कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, वर्क प्लेस है, कहीं पर भी आप हैं, तो जो काम आपको सौंपा गया है आप उसे बहुत अच्छे से निभाएं, अपनी सर्विस को पूरी तरीके से करें। जस्टिस यानी नाइंसाफी किसी के साथ ना करें। मोस्टली क्या होता है कि अगर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके हेड को जलन होने लग जाती है, उसे ये लगता है कि ये कल का आया पर्सन इतना अच्छा काम कर रहा है, कहीं ये मेरी सीट टेक ओवर ना कर ले, कहीं ये मुझसे अच्छा ना परफॉर्मेंस दे दे, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करने लगेगा, उसके साथ नाइंसाफी करेगा, उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसे बात बात पर डांटेगा, जिससे कि दूसरे पर्सन का मॉरल गिर जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वालिटी, यानी सोसाइटी में सबको बराबर समझिए, किसी भी जैसे बेस पर उसे साथ भेदभाव ना करें। नेक्स्ट लॉयल्टी, यानी हर इंसान के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उस जगह के साथ वफादारी होनी चाहिए। लॉयल्टी आजकल बहुत कम हो गई है लोगों में, इसका रीज़न क्या है मैं ये नहीं कह रही कि लॉयल नहीं रहे लोग, बट हाँ कहीं ना कहीं लॉयल्टी कम होती जा रही है। जैसे कि अगर हम एक जगह पर काम कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह से अगर हमें कोई फ्रॉड करने का ऑफ़र आता है तो हम बहुत सारे पैसों के चक्कर में अपनी कंपनी से धोखा कर देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर लॉयल्टी नहीं है, और जिस इंसान में लॉयल्टी होगी उसे आप कभी भी खरीद नहीं सकेंगे। तो हमारे अंदर लॉयल्टी वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉलरेंस, यानी कि आप सहने की हिम्मत रखें, ज़रा ज़रा सी बात पर पेशेंस खोकर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। नेक्स्ट कॉपरेशन, यानी कि मिलजुल कर काम करना। तो ये जिसके अंदर ये वैल्यूज़ आ जाती हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा इंसान हो जाता है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये मैं आपसे हर बार कहती हूँ, फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, ऐसा मत करिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा कल्चरल। कल्चरल वैल्यूज़ का मतलब कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारा सभ्यता हमें क्या सिखाती है, हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है। तो कल्चरल वैल्यूज़ में आता है हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जब हम किसी की बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। अब शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कहते हैं कि मेहमान नवाजी इलाहाबाद के लोगों की बहुत फेमस है ना। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि शायद वहाँ पर मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से की जाती होगी। ऐसा नहीं है कि देश में और कहीं मेहमान नवाजी नहीं होती, बट ऐसा बोला जाता है कि वहाँ की बहुत फेमस है। तो मेहमान नवाजी आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए, आपके कल्चर में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी पर्सन आपके सामने आ रहा है, चाहे वो किसी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, आप उसके वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करें, उसको सम्मान दें, उसका अच्छे से उसके साथ व्यवहार करें। नेक्स्ट रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। टॉलरेंस फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है जब कोई चीज़ फैली हुई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारे देश में कहते हैं कि अनेकता में एकता है, यानी यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, भाषाएं बोली जाती है, मगर फिर भी हम एक हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि हमारे अंदर कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हम दूसरे की भावनाओं को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हार्मनी, यानी एकता होना, किसके साथ? नेचर के साथ, यानी नेचर से प्यार होना। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल वैल्यूज़ की, जो हमें बहुत ज़रूरी हैं आज के ज़माने में। इसका मतलब है कि हमें एनवायरमेंट के प्रति जागरूक होना चाहिए, एनवायरमेंट के प्रति उससे प्यार होना चाहिए, जैसे कि हमें वाटर सेविंग करनी चाहिए, ठीक है, हमें पॉलीथीन बैन कर देना चाहिए, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि हम प्लांटेशन करें, ट्रीज़ ना काटें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करें, पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें। जिस इंसान में ये वैल्यूज़ होती हैं वो इंसान एनवायरमेंटल का दोस्त बन जाता है। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है, शायद आपने भी देखा होगा, एक साउथ मूवी है अपरिचित। उसमें जो पर्सन था उसमें एनवायरमेंटल वैल्यूज़ बहुत थी,
यानी कि जब भी वो देखता था कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है या नेचर के साथ गलत हो रहा है तो वो उनके कर्मों के हिसाब से उनको सजा देता था। वो कभी रेड लाइट जंप नहीं करता था, है ना, गंदगी नहीं फैलाता था। तो जिस इंसान में सोसाइटी या एनवायरनमेंट के लिए प्यार है वो इंसान हमेशा इन वैल्यूज़ को फॉलो करेगा। बहुत से हमने ऐसे सोशल वर्कर देखे हैं जो फ्री में नालियों की सफाई करते हैं, रोड की सफाई करते हैं, गंगा नदी की केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि नेचर क्या है और वो नेचर से प्यार करते हैं, उनके वैल्यूज़ उनसे ऐसा करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक तो ख़त्म हो जाता है। सॉरी, एक पॉइंट और रह गया सिम यहाँ पर, इनका मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। कंजर्वेशन यानी कि किसी चीज़ की संरक्षा करना, उसको बचाना। प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम की रक्षा करना। रिस्पेक्ट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स की देखभाल करना, उन्हें प्यार करना, एनिमल्स की देखभाल करना, उन्हें मारना नहीं। एंड लिविंग सिंपली यानी सादा जीवन जीना, ज़्यादा टेक्नोलॉजी या केमिकल्स का इस्तेमाल ना करना जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है जी, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। देखिए, हमने वैल्यू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, हमने नीड एंड इम्पॉर्टेंस भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो पर्पस भी लगभग वहीं से निकल कर आएंगे। पर्पस का मतलब होता है मकसद। क्या मकसद है हमारा कि हम लोगों को वैल्यू एजुकेशन देना चाहते हैं? तो फर्स्ट है टू मोल्ड कंपैशनेट ह्यूमन बींग, यानी हम ऐसे ह्यूमन बींग बनाएं जो दयालु हों, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हों, ठीक है, जिनका मॉरल अच्छा हो। सेकंड, क्रिएट एथिकल लीडर्स, यानी हमारे जो लीडर्स बनेंगे आज से 10-20 साल बाद, जो बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो उनके अंदर एथिकल वैल्यूज़ हो, यानी उनके अंदर बहुत अच्छे मूल्य हो, संस्कार हो, ताकि वो देश को अच्छे से चला सकें, देश के साथ गद्दारी ना करें, लोगों को लूटने खसूटने की कोशिश ना करें, बल्कि उनकी भलाई की बात सोचें। टू बिल्ड अ ह्यूमन सोसाइटी, यानी एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना जहाँ इंसानियत हो, ऐसा ना हो कि अपने मतलब के लिए हम किसी को भी मार काट रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो, इंसानियत हो। नेक्स्ट, टू फॉस्टर ग्लोबल सिटीजन्स, यानी हम जो सिटीजन्स बना रहे हैं वो जब फॉरनर्स के साथ डील करें तो फॉरनर्स के मन में यही आए कि वाह, इंडियंस कितने अच्छे हैं। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी का मकसद है, ताकि हम इंडिया के बाहर जब भी जाएं तो इंडिया का नाम ख़राब ना करें। ठीक है जी। नेक्स्ट, टू शेप मॉरली अपराइट इंडिविजुअल्स, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स का निर्माण करना जो मॉरली अच्छे हों, यानी जिनके मूल्य, जिनके विचार अच्छे हों। नेक्स्ट, एनेबल मीनिंगफुल लाइफ, यानी हमारी ज़िंदगी को एक सही दिशा देना, एक मकसद देना। ये है हमारा पर्पस वैल्यू एजुकेशन का। आपको देख कर लग ही रहा होगा कि अगर ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर अभी से डालनी चीज़ शुरू कर दी जाए, बच्चों को सिखा दिया जाए, तो आज से कुछ सालों बाद हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। आप इस चार्ट की एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, मींस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वैल्यू एजुकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। टाइप्स अलग चीज़ है और कंपोनेंट्स एक अलग टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना। मगर हाँ, ये कह सकते हैं हम कि टाइप्स में जो हमारे पास पॉइंट्स थे उसमें से कुछ पॉइंट्स कंपोनेंट्स में भी आते हैं। तो कंपोनेंट क्या है हमारा? फर्स्ट, मॉरल एजुकेशन, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, तो दोबारा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सेकेंड है सोशल एजुकेशन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सोसाइटी के लिए जो लोग अच्छे होते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अन्ना हजारे हैं या मदर टेरेसा है, ये सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे थे क्योंकि इनके अंदर सोशल वैल्यूज़ थे। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एनवायरमेंटल एजुकेशन भी हमने डिस्कस कर लिया है, इसके एग्जाम्पल भी देखे थे। अब ये दो नए पॉइंट्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हमें बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन देनी है, उन्हें बताना है कि हेल्थ के प्रति भी हमें कॉन्शियस होना चाहिए। हमने एक कोट भी सुना है, शरीर एक मंदिर है, यानी कि अगर आपका शरीर साफ़ सुथरा है, उसकी आप देखभाल करते हैं, तो वो लंबे समय तक आपका साथ देगा, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, सारा टाइम बस ऑनलाइन फ़ोन चला रहे हैं या कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ को नुकसान देगा और आखिर में उसका नुकसान आप ही को होने वाला है। महंगी महंगी दवाइयाँ खाएंगे,
ट्रीटमेंट करवाएंगे, है ना। तो बच्चों को हमें सिखाना है कि हेल्थ के प्रति भी आप कॉन्शियस रहिए। एंड लास्ट है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसे से रिलेटेड लोगों को जानकारी देना या उनको जागरूक करना। आजकल बहुत से बच्चों के, बहुत से लोगों के मुंह से हमने सुना भी है कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में वो रिश्ते नाते सब छोड़ देते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ मायने रखता है। लालच लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा बुरी तरह से भर चुकी है कि उनको रिश्तों की कदर नहीं है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ गिर गए हैं, संस्कार आदर्श है ही नहीं। उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कमाया जा सकता है, मगर रिश्ता एक बार ख़राब हो गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन ये चीज़ें सिखाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? हमारी एजुकेशन पॉलिसी की। एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को शुरू से ही फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन देना स्टार्ट करें। उन्हें बताएं कि पैसा ज़रूरी है मगर रिश्तों से बढ़कर नहीं, कंट्री से बढ़कर नहीं, सोसाइटी से बढ़कर नहीं। हमें टाइम टू टाइम टैक्सेस देने चाहिए, हमें कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को शुरू से ही सिखानी होंगी। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे नए टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।